गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। और फ्रेंड देखिए, हमने देखा जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था उसमें भी इन्वेंशन से एक क्वेश्चन आया था। और फ्रेंड इस वीडियो में देखने वाले हैं, आपको मैंने कहा था इससे पहले वीडियो बनाई थी मैंने, देखिए जो एमटीएस की वीडियो थी, ऑल शिफ्ट की वीडियो थी, उसमें मैंने बोला था कि आपको सिटी एंड उस सिटी पर कौन सी सिटी जो है, कौन सी रिवर पर है, वो भी इस वीडियो में इंक्लूड होने वाला है। तो प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी है प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाकर देखिएगा, फुल डिटेल वीडियो है। उसमें मैंने बताया है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें कौन से टॉपिक आने हैं, ओके। और उससे प्रीवियस है जो पूरा ऑल ओवर जो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट थी उनके सारे टॉपिक्स और कौन से टॉपिक में से क्या क्या आ सकता है वो सारा मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा, देखिए क्वेश्चन पूछा हमसे, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पाया था कि कुछ अणुओं में दर्पण के चित्र होते हैं, कुछ अणुओं में दर्पण के चित्र होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा है। लॉर्ड क्लाइव, ओके, ऑप्शन लॉर्ड केल्विन है, लॉर्ड पाश्चर है, रॉबर्ट हुक है या हेनरी मोजले है। तो बताइएगा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही सही आंसर देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लुईस पाश्चर जो है उन्होंने पाया कि अणुओं में दर्पण चित्र होते हैं और इन्हें रासायनिक यौगिक के बाएं हाथ और दाहिने हाथ के संस्करणों के रूप में समझाया जाता है, ओके। इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा इन्वेंशन है, एमसीक्यूज के रूप में है ये इन्वेंशंस, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, प्लास्टिक सर्जरी के, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था 2018 के आरआरबी ग्रुप डी या एएलपी दोनों में से एक में आया है, ओके। क्वेश्चन है चरक, जीडी नायड, सुशात्रा या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग बताएंगे भाई इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सुशात्रा शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी के संस्थापक पिता माने जाते हैं। उन्हें सुशात्रा संहिता को भारतीय चिकित्सा संहिता में एक उत्कृष्ट ग्रंथ भी लिखा और भारत में शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा का भी वर्णन किया हुआ है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, पहले जो है एग्ज़ाम से बोलते थे 2004 या 2005 के, तब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछेंगे, सेफ्टी ब्रेक का आविष्कार किसने किया था जो लिफ्ट को दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकता है। चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, थॉमस एडिशन, एली विटनसे, विटनी, हेनरी फोर्ड, एलिशा ओटिश। तो फ्रेंड चलिए कमेंट करेंगे कितने लोग देखते हैं आंसर देते हैं यहाँ पर, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ओटिस ने जो है सुरक्षा ब्रेक का आविष्कार किया, ठीक है, मतलब सुरक्षा ब्रेक जो होते हैं उनका आविष्कार किया, जो कि रस्सी टूटने पर अचानक गिरने से सक्रिय होने पर लिफ्ट को दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के जनक किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, पतंजलि, जगदीश चंद्र बोस, वर्गीस कुरियन या राजा रमन्ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन रहेगा वर्गीस कुरियन, जो मुख्य वास्तुकार थे जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक जो है वो बनाया। उन्होंने सरकारी डेयरी विकास के आनंद मॉडल के आधुनिकीकरण में जो है मदद की और भारत के श्वेत क्रांति का निर्माण किया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, आपसे ब्लू क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, ठीक है, भूरी क्रांति, ये सारी क्रांति पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो, इस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला वर्किंग प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कंप्यूटर में, तो ये कंप्यूटर किसने बनाया, फर्स्ट तो आपको बताना, ऑप्शन है आपका स्कोनार्ड जूस, लस जुडो जोसेफ बीरो है वो, ऑप्शन सी है ब्रेंडन वर्ग, ऑप्शन डी कार्ल व्रेंच। तो फ्रेंड यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, कॉनराड जूस, कह रहेगा कॉनराड जूस ने दुनिया का पहला प्रोग्राम नियंत्रित कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इरिडियम परत की खोज किसने की और उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो ऑप्शन है आपके पास हेनरी मोजले,
पियरे क्यूरी, सेंटियागो रेमन या लुइस अल्वोरेज। तो फ्रेंड चलिए कमेंट करेंगे हमें और आप बताना है सभी को, चलिए बताइएगा फ्रेंड क्या रहेगा। और फ्रेंड्स अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो रेमन पुरस्कार के बारे में जरूर पढ़िएगा, एग्ज़ाम में रेमन पुरस्कार से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब फिलहाल में रवि जो रेमन पुरस्कार जो है मिला हुआ है भारतीय जो है पत्रकार को, तो आपको ये पता करना है कि रेमन पुरस्कार है क्या, फर्स्ट किसको मिला था, कितने भारतीयों को पहली बार मिला था और लास्ट वाला किसको मिला है 2017-18 का, ठीक है। 19 का तो नहीं आएगा फिलहाल में। चलिए आंसर आएगा यहाँ का ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पर, लुइस अल्वारेंज ने ईडीएम परत की खोज की थी और उन्हें यह भी सिद्धांत दिया था कि डायनासोर जो है पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड के प्रभाव के कारण जो है विलुप्त हो गए, और 1968 में उनको भौतिकी में नोबल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूरॉन्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो न्यूरॉन्स के पिता के रूप में किसे जानता है, सेंटियागो रामोनी, ऑप्शन बी अलेक्सेंड्रा वोल्टा को, या ऑप्शन सी है सलीम अली को, या इसमें से कोई भी नहीं। तो सलीम अली, तो देखिए बता दूं आपको सलीम अली कौन था, सलीम अली देखिए आपने नेक्स्ट जो बर्ड पार्क सुना होगा सलीम अली, ठीक है, जो कि बर्ड्स वॉचर थे, ठीक है, इंडिया के बर्ड्स वॉचर थे और जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ये जो है बर्ड्स का एक बहुत बड़ा वहाँ पर वर्ड्स पाली जाती हैं, ठीक है, सलीम अली के नाम पे गोवा में भी है। ओके अब इसका आंसर है, ऑप्शन है हमारे पास ये सेंटियागो रोमोनी काजल, न्यूरॉन्स के पिता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 1906 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि उन्हें न्यूरॉन सिद्धांत के लिए था नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कॉफ़ी फिल्टर का आविष्कार किसने किया, कॉफ़ी फिल्टर का आविष्कार किसने किया, और विली ने, विल्वर राइट ने, मेलिक्टा वेंटर्स ने, या निकोला टेस्ला ने। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेलिटा वेंट्स ने बॉइलिंग पेपर के एक टुकड़े का उपयोग करके कॉफ़ी फिल्टर का जो है एक कॉफ़ी फिल्टर की खोज की। ओके अगला क्वेश्चन है, समुद्र शास्त्र यानी कि ओशिनोग्राफी के संस्थापक कौन है, ऑप्शन है सुसुमु टोनगावा, अल्हाजनन, कार्ल लेंस स्टीनर, या मैथ्यू मैरी मौरी। तो आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, मैथ्यू मौरी को समुद्र शास्त्र के पिता या ओशिनोग्राफी ठीक के पिता के रूप में जाना जाता है, और अपने जीवन काल में उन्हें पाथ फाइंडर ऑफ द सीज भी कहा जाता है। ओके तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए, टीवी एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की, ऑप्शन है जोसेफ लैंग्रेंज ने, ऑप्शन बी सलमन वैक्समैन ने, लिंडा वक ने, या ऑप्शन डी है जेम्स क्रोल ने। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, सलमन वैक्समैन ने जो है आविष्कार किया, जो कि जैव रासायनिक और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन और कई अन्य एंटीबायोटिक दवाएं उनका भी आविष्कार किया था। तो फ्रेंड चलेंगे अब देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हैं क्या, नदी और उन पर बने हुए शहर, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए पहला क्वेश्चन हमारे लिए है, मैं पहले क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन जो है आपके लिए, श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे है, इंडस, सिंधु नदी के किनारे, चिनाब, रावी, या झेलम। आप लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजिंग होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि जिसने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा होगा ना तो वो क्वेश्चन ये इजी नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि अगर इंडस वैली के बारे में बात करी जाए तो तीनों चारों जो नदियां हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और जो कन्फ्यूजिंग करती हैं। थोड़ा सा अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा, थोड़ा इसको पढ़ना पड़ता है तभी आता है। इसका आंसर आएगा झेलम, क्या आएगा, झेलम नदी आएगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं, सिटी दी हुई है एक साइड हमें, ठीक है, देन हमें रिवर दी हुई एक साइड, हमें सिटी दी हुई है। तो कोटा जो शहर है जो राजस्थान में आता है वो उस पर किस पर है, वो चंबल नदी के किनारे है। जबलपुर जो है वो है नर्मदा के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके जबलपुर कहाँ है, एमपी में है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है, एमटीएस के एग्ज़ाम में आया हुआ है, अमरकंटक से निकलती है। सूरत जो है ताप्ती के किनारे है, ओके
लखनऊ शहर जो है गोमती नदी किनारे है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जो है वो गंगा किनारे है। इस पर फिलहाल में जो है अर्ध कुंभ हुआ था, इससे पहले कहाँ कुंभ हुआ था, इससे पहले हुआ था उज्जैन में, ठीक है। ओके, याद रखिएगा सारे फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, सिटी कोलकाता जो कि रिवर किस पर है, हुबली पर है। नई दिल्ली सभी को पता होगा यमुना नदी पर है। रांची जो है वो स्वर्ण रेखा जो है उस नदी के किनारे है। ओके, कानपुर शहर है गंगा नदी, क्या है, कानपुर शहर है गंगा नदी। नेक्स्ट देखेंगे नासिक शहर जो है वो गोमती नदी किनारे है। उज्जैन जैसे कि मैंने बताया शिप्रा किनारे, इस पर जो है इलाहाबाद से पहले यानी कि प्रयागराज से पहले यहाँ पर कुंभ हुआ था। वाराणसी जो है वो गंगा के किनारे है। पटना जो है वो गंगा नदी के फिर से किनारे पर है। और आगरा सभी को पता है यमुना के किनारे पर है। किस पर है, यमुना नदी के किनारे पर है, ठीक है। इसके बाद राउरकेला शहर जो है, सिटी जो है वो ब्राह्मणी के किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे है। गुवाहाटी ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी ये देखा जाए तो सबसे बड़ी जो है नदी होती है, ठीक है, एशिया अगर देखा जाए तो, ठीक है। और ये चार इनकी चार नाम है, ये मैंने बता चुका हूँ, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा चुका हूँ। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी किनारे है और गांधीनगर जो है वो सरस्वती के किनारे है, ठीक है। तो ये थे कुछ शहर जो इम्पॉर्टेंट थे और एग्ज़ाम में आएंगे, 101% आपके एग्ज़ाम में लेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इससे भी कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो पढ़नी है या आपको कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन मुझे भेजिएगा। कि क्वेश्चंस देखिए ऐसा है फ्रेंड, देखिए क्या होता है, अभी एग्ज़ाम होता है तो स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नहीं भेजते हैं। प्लीज़ क्वेश्चन भेजिएगा, टेलीग्राम की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक पर आप मुझे 5 तारीख का एग्ज़ाम होगा, देन आप मुझे सेंड जरूर करिएगा, ठीक है। और बताइएगा एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था, और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।